नमस्कार, मैं हूं निशा और आप देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपको बता दें कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का दर्द एक बार फिर से छलका है। उन्होंने नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। आपको बता दें कि गया जिले के मोहरा प्रखंड में तपोवन महोत्सव का आयोजन था। उस दौरान वो महोत्सव में शामिल होने गए थे और नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से नालंदा का विकास हुआ है, पर्यटन हब बनाया गया है, ठीक उसी तरह उनके इलाके यानी गया को भी पर्यटन हब बनाया जाए, क्योंकि अभी तक में गया का विकास बहुत हद तक हो जाना चाहिए था, लेकिन नीतीश कुमार का ध्यान गया पर ना होकर के सिर्फ नालंदा पर है, तो उन्होंने गया पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए नीतीश कुमार से गुहार लगाई है। लेकिन इतना जरूर कहो कि ये तपोवन है, तपोवन के एक पर्यटक हब बने के चाहिए। और हमारे दिमाग में ये बात हलै, बगल में कुटिहार है, बगल में हराही स्थान है, बगल में गहलौर है, और ओकर बाद बीच में तपोवन है, तो ये राजधानी न हो गए पर्यटन के। एक विकास न होना तो भाई हम जरूर कहे कि अन्याय हो रहा है इलाका के लिए। तो मीडिया के भाई लोग अच्छी, हम अपन दुख का ही भाई, हम किनको शिकायत ना करेंगे मीडिया के भाई लोग के, कि जे तरजीब मिले के चाहिए। ऐसे सतीश जाती कहल थी कि एक आदमी के हाथ रहे 4 फीट के और एक आदमी के दूसरा हाथ रहे 2 फीट के, ये कहाँ के बात है। ठीक कहल थी, हमू कल चाहिए कि राजगीर राजा के घर हलै, अब बुद्ध भगवान के जे भी स्थान रहे, आई तपोवन हलै। अभी ठीके कहल थी डीएम साहब, भी कहल थी ब्रह्मा के चारों पुत्र के तपस्थली, और रंजीत जी कहल थी कि अत्रि के नाम कह पड़ल, अत्रि मुनि के आस्थान हलै। तो इतना बड़ा महत्व के जगह अत्रि और तपोवन, ओकर ई हालत हम समझे कि हमनी के सोचे लायक बात है। इस वजह से आज के दिन में अब हम तो कहा लियो, अब कहे भी बेकार बात है। अगर कुछ दिन और भैया मौका मिलते हो तभी आज ऐसे न रहते हो तपोवन। ये दिमाग हमारा घूमे थे, हड़ाही स्थान, गहलौर, कुटिहार, तपोवन, ये सब एक राजधानी हब के रूप में रहते हैं। हजारों पर्यटक लोग यहाँ पर रहते थी हल, और ये राजगीर से कम न रहते हैं, हम ये कह सका नहीं। तो देखा आपने किस तरह से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी लगातार नीतीश कुमार से गुहार लगा रहे ताकि गया को पर्यटन हब बनाया जाए, क्योंकि लगातार गया के साथ उनका कहना है कि अन्याय हो रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें एबी न्यूज के साथ। नमस्कार।